अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आदिल बादशाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज ये देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम है। नमाज़ पढ़ के जब मैं वो कब्रिस्तान की तरफ आ गया था, तो अभी दुआ वगैरह करके तो वापस घर की तरफ आ रहा हूँ। तो आज दोबारा से जो है ना वो बारिश का मौसम बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी सुबह सुबह रात को भी जो है वो हल्की हल्की बारिश हुई है, उससे पहले भी दो तीन दिन बारिश लगी रही थी। तो उसके बाद जो है वो एक दिन कल का दिन जो था वो काफ़ी धूप वाला दिन था, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था कल का। तो मगर रात से फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये भी आप देख सकते हैं कि बादल अबर आलूद है, तो बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। इनका जो है वो बरसने का दिल कर रहा है। इस तरफ से मैं आया हूँ, इस तरफ गया हुआ था। ये सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है इस साइड पे। तो दोबारा से मौसम जो वो काफ़ी खूबसूरत हो गया। तो ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बादल जो वो छाए हुए हैं। इन चीज़ों से निमटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देख सकते हैं कि ये मिट्टी की पूरी दुकान है। जब भी बारिश होती है तो ये सड़क पे आ जाती है, ये देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह जो होता है वो, अभी तो कम हो गया वरना इससे ज़्यादा ही रास्ता ख़राब हुआ करता था। तो ये ऊपर चेक करें, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी। अगर किसी को चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूँगा, आप आके ले के जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी बारिश तो रुक चुकी है, मगर अपने पीछे दास्तान छोड़ गई है। ये चेक करें, बारिश की वजह से जो काफ़ी जगह ख़राब हो जाती है। जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो हमारे लिए भी कुछ मुश्किलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या मुश्किलात पेश आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी मुश्किलात दिखाऊंगा कि जानवरों के हवाले से एक ज़मींदार को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और क्या आती हैं। तो वो वीडियो में देखें पहले आप। अच्छा, ये जगह जी, यहाँ पर हम इन जानवरों को बांधते हैं, मगर ये भी कीचड़ हो चुका है। बहुत ज़्यादा जगह जो है वो ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे बांधते हैं लेकिन यहाँ पे भी जगह ख़राब हो चुकी है। और उसके अलावा एक यहाँ पे जगह थी, इनको चारा खिला के उसके बाद ना यहाँ पे बांधते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन यह है कि वो चीज़ नहीं है। तो अभी अंदर चेक करते हैं अंदर क्या सीन है इनका। ये एक गाय हो गई, दो और ये तीन। उसके अलावा अभी और दिखाता हूँ आपको जी। ये देखें, एक छोटी सी बकरी का बच्चा, एक ये बकरी, एक ये बकरा। इनको बाहर निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे तो अंधेरा है। तो ये मशीन है और ये चीज़ें। तो चलिए अभी इनको खोल के बाहर लेके जाते हैं, उसके बाद इसको प्यास लगी थी शायद, तो ये आ गया पानी पीने के लिए। अभी धूप निकल आई है, तो मैंने तो जानवर सारे बाहर निकाल दिए हैं, बकरियां भी निकाल दी हैं। वो गायें आपको नज़र आ रही हैं, उनको भी चारा डाल दिया। तो अभी मैं आपको बकरियां दिखाता हूँ, इनको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। ये बकरी है एक, इसका बच्चा। ये है जी एक खूबसूरत जानवर, इसको बकरा। इधर आशीजादे, इधर आ। उसके बाद इसी बकरे की जो है ये एक बहन है, ये ले ली। अभी टाइम जो बज गया तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो कुछ और भी काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है।
तो जैसा कि आपको सुबह दिखाया था बारिश के बाद के हालात, तो अभी भी जो है वो बारिश के बाद के जो हालात हैं उनका असर जो है वो अभी भी बाकी है। तो अभी जो है ना इन बकरियों को ना थोड़ा जुलिए इन्ना की लैगा मार दिला हूँ जुलिए इन्ना की थोड़ा फिर टोरना भी है ना गाँव इतनी नहीं बचिया देता। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ये लोकेशन कौन सी है, कौन सी जगह पे मैं आया हूँ। तो अभी मौसम इस तरह का है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं जंगल के अंदर ना कोई पत्ता कोई घास कुछ भी नहीं है, सब्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आगे सीज़न आएगा आएगा उसके अंदर इन दरख्तों के अंदर के ऊपर जो है ना सब्जा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो मौसम होता है इंसानों के लिए भी काफ़ी होता है लेकिन जानवरों के लिए भी ज़्यादा होता है। तो वो भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी आप। तो यहाँ पे ईंटें तैयार होती हैं, मैं तो काफ़ी दूर हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो है इस तरफ आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ ना हमारा गांव है जहाँ से मैं अभी आया हूँ। रास्ता काफ़ी मुश्किल था तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकता, जाते हुए बनाऊँगा ज़रूर। तो ये नीचे वाला एरिया है चिल्ला मड़ियाल छन्नी वगैरह ये जो भी पिंजड़ी इस तरफ है ना, तो ये बिल्कुल जंगल है। तो मैं अभी कुछ इनको खिलाता हूँ फिर वापस चलते हैं, तो वापसी का सफ़र देखेंगे कैसा गुजरेगा। तो फाइनली वापस आ चुका हूँ मैं। तो आप रास्ता देख सकते हैं कितना मुश्किल गुजार है ये हैं? आज असन यारा इस तरह का सुबह मौसम था वो भी आपने देखा। तो अभी तकरीबन 1 बज गया दिन के, तो अभी कल वाला जैसा कल जैसे ही मौसम हो गया दोबारा से खूबसूरत मौसम हो गया। मुझे तो परेशानी लाहक हो गई थी कि यार अब फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, मगर अब जो है ना तकरीबन बारिश थम चुकी है और धूप निकल आई है और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। जो भी नए दोस्त आ रहे हैं चैनल पे तो उनसे मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आए लेकिन फिर भी काइंडली थोड़ी सपोर्ट कर दिया करें। बादल देख सकते हैं बिल्कुल नीचे नीचे आए हुए हम। अबू बकर ये क्या है, ये क्या चीज है? हाँ ये जा क्या है बताओ मुझे। जल्दी आओ को मौसम दिखाया था बहुत ठंड थी बारिश हो रही थी लेकिन अभी आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो चुका है मौसम। तो मैं फ़िलहाल जो है ना अभी बाहर आया हूँ, तो ये भी मतलब मौसम बहुत प्यारा हो गया अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है अभी। तो अभी बैठ के गपशप लगाते हैं देखते हैं और क्या कुछ होता है। और बाकी अभी यार असल में काफ़ी अर्सा हो गया वीडियोस नहीं बनाई उस वजह से थोड़ा सा जो है वो अभी वीडियो बनाने में मसला आता है सच्ची बात जो है। उस तरह जिस तरह पहले वीडियो बनाते थे उस तरह से बन नहीं रही ना, थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ मैं 2-3 दफ़ा पहले भी किया लेकिन अब दोबारा से कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह 4-5 वीडियो बनाएंगे
दोबारा अपने उस मोमेंटम के अंदर आ जाएंगे। तो बाकी भी इंशाल्लाह आपके साथ। कितनी ज़्यादा लगी हुई है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया। बारिश होती है जब तो उस वक़्त थोड़ी वो तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है फिर माशाल्लाह मौसम काफ़ी खूबसूरत हो जाता है ना। या जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, शहर वालों को रिसीव नहीं होता। वाटर है, इसका बेहतरीन है।